वेलकम टू हमारा वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कैरा अडवाणी के बारे में कुछ बातें। स्टार्ट करते हैं अर्ली लाइफ से। कैरा का रियल नेम आलिया अडवाणी है और निक नेम कैरा अडवाणी है। हाँ बोलो, यू ऑलवेज कॉल्स मी कैरा। बोलो कियारा, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो। कैरा का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 30 साल की हैं। कैरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई कैथलर एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से की, जिसके बाद उन्होंने मार्क्स कम्युनिकेशन की डिग्री जय हिंद कॉलेज मुंबई से की। कैरा का जन्म एक सिंधी हिंदू व्यवसायी जगदीप अडवाणी और शिक्षक जिनेबी जाफरी के घर हुआ था, जिनके पिता लखनऊ के मुस्लिम थे और माँ एक ब्रिटिश ईसाई थी। कैरा के बचपन का नाम आलिया अडवाणी। वर्ष 2014 में अपनी पहली फिल्म फुगली की रिलीज होने से पहले अपना पहला नाम वर्ष 2010 में आई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अनजाना अनजानी में कियारा रोल से इंस्पायर होकर रखी। कियारा ने कहा कि नाम बदलने का सुझाव सलमान खान का था। सलमान सर का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में पहले से ही आलिया भट्ट फेमस है, तो इस नाम से पब्लिक में कंफ्यूजन बना रहेगा, जिस वजह से आलिया से कैरा बन गई। और हमें भी लगता है कैरा का ये डिसीजन सही था। चलिए बात करते हैं कैरा के करियर के बारे में। बेसिकली कैरा के पेरेंट्स को फिल्मों से लेना देना नहीं है, लेकिन इसके रिश्तेदार फिल्म में जाने माने हस्तियों में से एक हैं। कैरा की माँ जनेबी अडवाणी की सतेली माँ भारती गांगुली, जो अशोक कुमार जो 90 दशक के एक बड़े एक्टर और सिंगर रह चुके हैं। इस तरह से अशोक कुमार और शाहिद जाफरी दोनों परदादा हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी कैरा को फिल्म जगत में कदम रखने में काफी मेहनत करनी पड़ी। एक सूत्रों के अनुसार कैरा के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्ट्रेस बने, वो चाहते थे कि बिजनेस लाइन में कुछ करे, लेकिन फिल्म 3 इडियट देखने के बाद उनके पिताजी ने सपोर्ट किया और अनुपम खेर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी और कई ऑडिशन के बाद एक फिल्म फुगली में काम करने का मौका मिला, लेकिन रिलीज होते फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के फर्स्ट फिल्म फ्लॉप होना मानो करियर बर्बाद होने के बराबर होता है, और वही हुआ। फिल्म फुगली फ्लॉप होने की वजह से कई ऑडिशन देने के बाद भी कोई अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वो एक पब्लिक फेस को कास्ट करे। तकरीबन 2 साल के बाद कैरा को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ऑफर मिला, जिसमें साक्षी और प्रियंका दोनों के रोल के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें फिल्म मेकर को कैरा को साक्षी के रूप में सेलेक्ट किया। प्रियंका का रोल दिशा पटानी ने बखूबी निभाया था। अंततः फिल्म रिलीज हुई और हिट साबित हुई। कैरा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि साक्षी मेरे कैरेक्टर से खुश थी और दोनों ने अपने फैन का फीडबैक शेयर किया, और यहीं से कैरा को एक खुद का पहचान मिला, जहां से उसका स्ट्रगल टाइम खत्म हुआ और फिल्म इंडस्ट्रीज की एक जाने मानी हस्ती बन चुकी थी, जिसके बाद साउथ फिल्म की ऑफर किया, जिसका नाम भारत एने नैनू था। हालांकि इससे पहले भी साउथ फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम के वजह से नहीं कर पाई। लेकिन जब महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिला तो उसे वो गंवाना नहीं चाहती थी और फिल्म साइन कर ली, क्योंकि महेश बाबू साउथ फिल्म के बड़े एक्टर में से एक हैं, जिस वजह से कैरा ने तेलुगु भी बोलना सीखी और फिल्म हिट साबित हुई, जिसके बाद एक से एक सुपरहिट फिल्में की। 2017 में मशीन फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी इस फिल्म के एक रिमिक्स सॉन्ग हिट रही, जिसमें कैरा को काफी पसंद किया गया, जिसे देखकर ही करण जौहर ने फिल्म लास्ट स्टोरी में कास्ट किया था, जिसके बाद फिल्म की कलंक, कबीर सिंह, गुड न्यूज, लक्ष्मी, इंदु की जवानी, शेरशाह, भूल भुलैया 2 जैसे सुपरहिट फिल्में की। लास्टली कैरा जुग जुग जियो में नजर आई हैं और आने वाली फिल्म गोविंदा नाम मेरा में नजर आने वाली है। कैरा ने कई सारे विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं। इसका पहला विज्ञापन जब वो 1 महीने की थी। इसके अलावा ओप्पो फोन,
पॉन्ड्स क्रीम जैसे बड़े बड़े कंपनियों का एडवर्टाइजिंग 3 PM और 6 PM Creamy heavy moisturizers make my skin feel so oily. For a water fresh glow and non-sticky happy skin. क्यारा के फैन फॉलोइंग की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पे 25 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है जहां ये अपना हर तरह का वीडियो डालते रहती है। शॉपिंग हो गई है? क्या कर रही हो? सॉफ्टलाइन एक्साइटेड फेस्टिव ऑफर्स आर ऑन। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।